नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चलिए तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय, लगाइए अपना अपना आंसर और कमेंट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। जल्दी से लगाइए अपना अपना आंसर, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी की कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन, ऑप्शन डी है बलबन। बताइए क्वेश्चन नंबर देकर तीन का राइट आंसर। तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर सी है नसीरुद्दीन और ऑप्शन नंबर डी है सुल्तान महमूद। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सुल्तान महमूद। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक सुल्तान महमूद था। क्वेश्चन नंबर पाँच, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है गाजी तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है तैमूर तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपको 5 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गाजी तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गाजी तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है सालवा, ऑप्शन नंबर बी संगमा, ऑप्शन नंबर सी विशाल और ऑप्शन नंबर डी है मौर्य। क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संगमा। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हम्पी कर्नाटक, ऑप्शन बी हुबली,
ऑप्शन नंबर सी चंद्रगिरी और ऑप्शन नंबर डी मंगलोर। क्वेश्चनर 7 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? ऑप्शन नंबर ए है तालिकोटा, ऑप्शन नंबर बी रायचूर, ऑप्शन नंबर सी मदगुल और ऑप्शन नंबर डी है मंगोल। जल्दी से बताइए विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? आप अपना राइट आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तालिकोटा। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा की लड़ाई के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है फरगना, ऑप्शन बी सिस्तान, ऑप्शन सी सिवा, ऑप्शन डी खुरासान। बताइए जल्दी से कमेंट करके, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई या कब लड़ी गई? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1757 और ऑप्शन डी है 1761। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, कौन सा सन था, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, यानी कि वो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहाँ ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी वो हुमायूं। बताइए अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अकबर। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो बताइए अपना राइट आंसर, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अकबर। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी कि ये तो पता चल ही गया है आपको कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1576 को। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। तो इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए है राजा टोडरमल, ऑप्शन बी है राजा बिहारीमल, ऑप्शन नंबर सी है राजा भगवान दास, ऑप्शन नंबर डी है राजा मानसिंह। बताइए कि अकबर की सेना का नेतृत्व
किसने किया था हल्दीघाटी के युद्ध में? कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा मानसिंह। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, आप कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? तो वह बनाई थी सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन और आजकल अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? कंफ्यूज है दोनों क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इन दोनों क्वेश्चनों को। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? तो बनाई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखना।